बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। ये ऑडियो लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, सो मेहरबानी करके थोड़ा सा आराम से और सबर से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली हैं। इस ऑडियो लॉग में हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को कैसे एस्टेब्लिश किया जा सके। हर कोई अपनी अपनी मंतक लेकर बैठा हुआ है, हर कोई अपना नजरिया पेश कर रहा है, किसी के पास कोई आइडिया है, किसी के पास कोई आइडिया है। मोस्टली सबके आइडियाज में कुछ ना कुछ अथॉरिटी है जेन्युइननेस है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया है इस ऑडियो लॉग के अंदर। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का मसला क्यों है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का मसला इसलिए क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है कानून से, मतलब कानून को वो अपने हाथों में रखते हैं, जब चाहा कानून तोड़ दिया, जब चाहा कानून बदल दिया। आप इसकी मिसाल यू देख लीजिए कि जनरल बाजवा के एसेट्स की रिविलेशन होती है, तो यहाँ पर मसला ये बन जाता है कि जनरल बाजवा के एसेट किसने बनाए, ये नहीं पूछा जाता कि आपने जनरल बाजवा एसेट कैसे बनाए। यहाँ पर कानून को उल्टे तरफ लेकर जाया जाता है और ढूंढा यह जाता है कि किसने जनरल बाजवा के एसेट लीक किए। ये क्या बात हुई, आपको तो पूछना चाहिए था कि जनरल बाजवा ने एसेट कैसे बनाए। ये अगर मुल्क ताकतवर होता, फंक्शनल डेमोक्रेसी होती, तो जनरल बाजवा से पूछा जाता, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम नहीं कर सके और हम उल्टा उन लोगों के पीछे पड़ गए कि उन्होंने एसेट इनके क्यों लीक किए। उनके भी पीछे जाना चाहिए था, लेकिन जनरल बाजवा से भी तो पूछना चाहिए था। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम एक कमजोर रियासत है, हमारे अंदर आईन रूल ऑफ लॉ वगैरह कुछ नहीं है। हमारी फौज ने पाकिस्तान के आईन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान के दस्तूर की मजाक बना के रख दिया है और इसके पीछे एक लंबी तारीख है और वजह यह है कि इस फौज को कभी सजाए नहीं मिली। मैं इस ऑडियो लॉग में डिटेल से बताऊंगा कि किन किन मुल्कों के अंदर ये तमाम तर हालतें हो रही थी, लेकिन जब उनके फौजियों को, उनके जजेस को कानून के मुताबिक लाया गया और उन्हें सजाएं दी गई, तो वो सारे के सारे सीधे हो गए। ये पूरा का पूरा ऑडियो लॉग इसी बात को डेडिकेट करता है। अब आते हैं कि लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है जनरल आसिम मुनीर के साथ। जनरल आसिम मुनीर के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये किस तरह की पॉलिसी लेकर चलते हैं, क्या करते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, जनरल आसिम मुनीर कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं डालेगा, जो चल रहा था वैसा चलेगा, लेकिन पहले ज्यादा मार कुटाई हो रही थी, अब ज्यादा मार कुटाई नहीं होगी। इसी तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि खत लिखो चीफ जस्टिस को, फ्रेंकली स्पीकिंग इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हर चीफ जस्टिस की भी अपनी लिमिटेशन होती है, इनका पावर बड़ा चैलेंजेबल पावर होता है और इनको भी डर लगता है क्योंकि ये अकेले होते हैं, बाद में चलकर कोई इनको घसीट भी सकता है। एक्चुअली में जो पाकिस्तान का असल इम्तिहान होगा वो पीटीआई का असल इम्तिहान होगा, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे तब वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए और वो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेकर चलते हैं या नहीं लेकर चलते। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बिल्कुल अब पाकिस्तान की आवाम की ताकत के बलबूते के ऊपर बनेंगे, अब वो डिसाइड करेंगे कि हमने पाकिस्तान को एक आजाद रियासत रखनी है या नहीं रखनी है। अगर वो भी किसी ना किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जीएचक्यू के साथ, जैसे शरीफ फैमिली ने किया, जैसे आसिफ जरदारी ने किया, जैसे बिलावल जरदारी ने किया, तो पाकिस्तान के साथ भी वही होगा जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पाकिस्तान के साथ होता हुआ आ रहा है। फिर इमरान खान अपनी हुकूमत चलाएगा, कुछ सालों के बाद महंगाई हो जाएगी या कुछ इकोनॉमिक अपडाउन हो जाएगा, तो फिर ये होगा कि ये मुल्क नहीं चला सकता, ये सारा का सारा मीडिया के ऊपर नैरेटिव बना लिया जाएगा, फिर एक और जनरल आकर ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट कर देगा और सारी की सारी हुकूमत का धड़म तख्ता कर लेगा। ये माजी में ऐसे ही होता हुआ आ रहा है। अगर हमने मुस्तकबिल बदलना है, अगर हमने पाकिस्तान को एक अलग डायरेक्शन में लेकर चलना है, तो यहाँ पर मैं कुछ तारीखी मिसालें देता हूँ जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौमों ने अपनी तकदीरें कैसे लिखी, कौमों ने अपनी तकदीरें कैसे बदली। उनके यहाँ पे डिक्टेटर पैदा हुए थे, उन डिक्टेटरों को उन कौमों ने कैसे कुचला। जब उन्होंने अपने डिक्टेटर्स को कुचल के रख दिया, फिर उन्होंने एक आजाद जमहूरी रियासत का सफर तय किया, लेकिन वो सफर शुरुआत करने से पहले उन्हें पहले उन लोगों का सर काटना था जो कि वहां पर डिक्टेटरशिप कायम किए हुए थे, उन तमाम लोगों का सर काटा, बाद में चलकर उन मुमलिकतों के अंदर जमहूरियत मजबूती, रूल ऑफ लॉ आया, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने लोगों का सर कुचलना पड़ा। अब आते हैं कि सर कुचलने का मकसद ये नहीं है कि आप उनके घरों में घुसकर आग लगाओ, आपने उनका ट्रायल करना है, आपने उनको कोर्ट में लाना है और उनका ट्रायल शुरू करना है। इसीलिए अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले पाकिस्तान को जनरल बाजवा का ट्रायल करना पड़ेगा। जनरल बाजवा का ट्रायल करना क्यों जरूरी है, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस ऑडियो लॉग के अंदर। सबसे पहले आते हैं, कुछ लोग थे जो वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उन सबका ट्रायल हुआ था, उन सबका ट्रायल किया था एलाइज गवर्नमेंट ने उन सबका ट्रायल इसीलिए किया था क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि आने वाले टाइम के बाद जर्मनी के अंदर ये सारी की सारी चीजें ना फले फूले। इसी तरह से वो एक और एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि लोगों के अंदर भी ये खौफ रहे कि ये इस तरह से बारबेरिटी कम्यूनिट नहीं की जा सकती, फिर वो चाहे आप जंग के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन बारबेरिटी कभी भी कम्यूट नहीं की जा सकती। इसमें सबसे बड़ा नाम है हिमलर का। हिमलर कौन था? हेनरिक हिमलर, यू समझ लीजिए एडोल्फ हिटलर का इंटीरियर मिनिस्टर था, एसएस को कमांड कर रहा था, एसएस पैरामिलिट्री जैसे पाकिस्तान की रेंजर्स है वैसी ही है। इस बंदे को भी पकड़ा गया, इस बंदे को ट्रायल करने की कोशिश की, इस बंदे ने खुद को गोली मार दी, जहर खा के मर गया। इस बंदे का जहर खाकर मरने से पहले इस बंदे को पकड़ा
मारा गया, न्यूरनबर्ग स्विट्जरलैंड के अंदर ट्रायल हुआ, इसको बिठाया गया, इसके ऊपर पूछा गया कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, पूरा मुकदमा चल रहा था, उसके अंदर इसको जलील किया जा रहा था, फिर उसने जाकर खुद को गोली मार दी या जहर का कैप्सूल वगैरह खा लिया। इसके बाद आते हैं हरमिन गोरिंग की तरफ। हरमिन गोरिंग हिटलर की एयरफोर्स का कमांडर था, इसने भी बड़ी मतलब लंदन के ऊपर बॉम्बिंग की वगैरह वगैरह किया, मतलब हिटलर की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। जब इसको पकड़ा गया तो इसके ऊपर भी मुकदमे चलाए गए और न्यूरनबर्ग ट्रायल के अंदर इसके ऊपर ठीक ठाक मुकदमा चलाया गया। फिर उसने देखा कि ये लोग तो सिर्फ मुझे जलील कर रहे हैं, मुकदमा भी चला रहे हैं और जलील भी कर रहे हैं, उसके बाद जाकर उसने भी सुसाइड कर लिया। इसी तरह से एलाइज ने तमाम तर नाजीज के साथ ये इस तरह का सलूक इसीलिए रखा क्योंकि वो समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में जब वो एक आजाद जर्मनी का बुनियाद रखेंगे तो वहां पर एक मिसाल होनी चाहिए कि डिक्टेटरों के साथ किस तरह का अंजाम किया जाता है। सो डिक्टेटरों को बख्शा नहीं जाता और डिक्टेटरों का जो भी साथ देता है तो उन्हें भी बख्शना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है एडोल्फ आइकमैन। अब एडोल्फ आइकमैन का इतना बड़ा किस्सा है कि मतलब दुनिया बड़ी हैरान है कि एडोल्फ आइकमैन को कैसे ढूंढा गया। एडोल्फ आइकमैन हेनरिक हिमलर के अंडर में काम कर रहा था, ये जर्मनी से भाग गया था अर्जेंटीना और इसके ऊपर ट्रायल वगैरह नहीं कंडक्ट किया गया था न्यूरनबर्ग के अंदर क्योंकि ये मिसिंग था, कि ये लोगों को लग रहा था कि ये मर गया है। लेकिन इसराइल की मोसाद ने जाकर इसको ढूंढा, अर्जेंटीना के अंदर ढूंढा, वहां से पकड़े के लाए, फिर तल अवीव में उसके ऊपर ट्रायल चला, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद इसको सेनाइड का कैप्सूल दे दिया कि उसने सेनाइड कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। इसके ऊपर भी मुकदमा चला था। अब ये वो बंदा था जो जेनोसाइड के अंदर जो यहूदियों को मारा गया था इसके अंदर शुमार था, लेकिन फिर भी यहूदियों की मोसाद इंटेलिजेंस को इसके ऊपर इतना गुस्सा था कि इन्होंने ढूंढ लिया इसको अर्जेंटाइन के अंदर, वहां से पकड़ के लाकर इसके ऊपर 1956 के बाद ट्रायल कंडक्ट किया गया इसराइल के अंदर। ये होती है एक नेशनल विल, डिटर्मिनेशन नेशन का कि हमने ये सब कुछ करना है। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने भी बाजवा के खिलाफ इसी तरह के नेशनल विल और डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना है कि हमने बाजवा को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है। अगर हमने जनरल बाजवा को फांसी के तख्ते के ऊपर ना पहुंचाया तो आप गारंटी कर लीजिएगा ये फौज समझेगी कि ये आवाम हमारे साथ मजाक ही करती है, फिर से दोबारा आकर बैठ जाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को तंग करना शुरू कर देंगे, फिर सियासत के अंदर मुदाखलत करना शुरू कर देंगे। अगर हमने जनरल बाजवा को, जनरल मुशर्रफ को, जनरल फैज चिश्ती को, ये जो जिंदा बच गया है, इनको इनके क्राइम्स की सजा ना दी तो फिर से ये मुदाखलत करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान के अंदर। ये वो डिटरेंस है जो हमने कायम करना है। ये हम तभी कायम कर सकेंगे जब हमारे अंदर एक नेशनल विल हो, नेशनल डिटर्मिनेशन हो कि हमने ये सब कुछ करना है, वरना तो ये फिर से ड्रामा करेंगे कि माफ कर दीजिए, देखिए जी ये नहीं हुआ, देखिए जी वो नहीं हुआ। ये एक्चुअली में ड्रामा करते आ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के बाद भी ये ड्रामा करते रहे कि हम सियासत में अंदर नहीं है, फिर जनरल क्यानी आ गया, फिर जनरल क्यानी के बाद जनरल राइल आ गया, फिर जनरल राइल के बाद जनरल बाजवा आ गया। ये सारा का सारा मुल्क अब क्या जनरलों ने ही चलाना है? वजह सिर्फ ये है कि एक दो जनरलों को हमने फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना है और जनरल बाजवा से बड़ा कोई जनरल नहीं होगा। इसी से शुरुआत करते हैं कि इसी को पहले फांसी के ऊपर लटकाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और मिसाल देता हूँ। जापान का प्राइम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर हायदा किटोचो। हायदा किटोचो ने ही पूरी के पूरे जापान को सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेला था। उसके बाद हायदा किटोचो को ढूंढा गया, उसे पकड़ा गया, उसके ऊपर ट्रायल चला, ट्रायल के अंदर उसको मुक्के भी मारे गए, वो टकला था, उसके सर पे बार बार हाथ मार रहे थे, लोगों ने उसको बड़ा बुरा जलील किया, उसके बाद जाकर उसको फांसी की सजा दी। लेकिन वो डर गया था कि मुझे फांसी की सजा ना हो, इसीलिए उसने खुद को शूट कर दिया। सो ये वो चीजें थी जो एलाइज नेशनल डिटर्मिनेशन कायम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर ये खौफ फैले कि आइंदा कभी भी डिक्टेटरों का साथ नहीं देना। उसी के बाद तो पूरी दुनिया के अंदर चेंज आई है, जिसके बाद एलाइज की गवर्नमेंट और जमहूरियत मजबूत होना शुरू हुई, वरना तो पहले कभी डिक्टेटरशिप आ जाती थी, कभी डेमोक्रेसी चलती थी, मुल्कों की पॉलिटिक्स इधर से उधर होती रहती थी। लेकिन जब ये सारे के सारे ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, उसके बाद जाकर ये सारी की सारी चीजें ठीक हुई हैं। अब 1992 के ऊपर मिसाल देते हैं। बोस्नियन वार के दौरान सर्बियन नेशनलिस्ट ने जो जुल्म करना शुरू किया था मुसलमानों के ऊपर, वो सारा का सारा तो लोग भूल गए थे, लेकिन उसके अंदर भी क्या हुआ था, एक बंदा दहशतगर्द बन गया था, सर्बियन नेशनलिस्ट था, पॉलिटिशियन था, बाद में उसका भाई जनरल था, इन लोगों ने मिलकर मुसलमानों का जेनोसाइड करना शुरू कर दिया सर्बिया के अंदर, रेप किया, मुसलमान औरतों को मारा, मतलब बिल्कुल दहशतगर्दी वगैरह फैला के रखी हुई थी। आपने एक मूवी देखी होगी बिहाइंड द एनिमी लाइंस, एक पायलट गिर जाता है दुश्मनों के इलाके में, वहां से भागने की कोशिश करता है, ये सारी की सारी मूवी इसी चीज के ऊपर बनी हुई है। इस बंदे की इतनी दहशत हुआ करती थी कि नेटो की फौजों को भी डराया करता था। लेकिन बाद में इसको पकड़ा गया, इसको कानून की गिरफ्त में लाया गया और इसको पकड़ के इसका ट्रायल किया गया, उसके बाद इसने भी खुद को जहर खा के मार दिया। क्योंकि एक्चुअली में ट्रायल का मकसद ही यही होता है कि इनको जलील किया जा सके। ट्रायल का मकसद ये थोड़ी होता है कि इनके खिलाफ कोई फांसी देने का इरादा होता है। फांसी देने का इरादा तो बाद का होगा, जब ट्रायल कंक्लूड होगा। लेकिन ट्रायल के दौरान इनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, इनको जलील किया जाता है, ताकि ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक बन जाए कि इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। स्लोबोदिन मोलसोविक को पकड़ के वहां पर जाकर इनका ट्रायल किया गया, उसके बाद स्लोबोदिन मोलसोविक ने खुद को गोली मार दी। हालांकि स्लोबोदिन मोलसोविक सर्बियन नेशनलिस्ट था, सरब लोगों का हीरो हुआ करता था, लेकिन फिर भी इसको पकड़ा गया क्योंकि इसने जो किया था वो बिल्कुल
बिल्कुल गलत था, जालिम तरीन शख्स था। इसके बाद आते हैं विशी गवर्नमेंट के ऊपर। जब हिटलर ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया था तो फ्रांस को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था, एक जो डायरेक्ट हिटलर के कंट्रोल में था, दूसरा विशी गवर्नमेंट था मार्शल पेटन के अंदर में। अब मार्शल पेटन वहां का यू समझ लीजिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन गया, और दूसरा ऐसा हिटलर खुद डायरेक्टली मैनेज कर रहा था। तो मार्शल पेटन को जब एलाइज की विक्ट्री हुई तो मार्शल पेटन को उन लोगों ने देखा कि ये तो कोलैबोरेटर है, इसने जर्मनों का साथ दिया। उसके बाद मार्शल पेटन को फ्रांस के लोगों ने पकड़ा, हाईकोर्ट के अंदर मार्शल पेटन का ट्रायल हुआ। मार्शल पेटन वो जनरल था, वो जंगजू था जिसने फ्रांस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री दिलाई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनों के खिलाफ लड़ा था, जर्मनों से जीतवाया था फ्रांस को, लेकिन बाद में जाकर उसने जर्मनियों का साथ दे दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका ट्रायल चला, उसके बाद उस ट्रायल के अंदर उसको सजाए मौत दी गई। सजाए मौत इसकी एग्जीक्यूट ना की गई, वजह यह थी कि उसकी उम्र बड़ी थी, उम्र बड़ी होने की वजह से इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई। उसके बाद इसको इतना जलील किया गया कि ये खुद ब खुद मर गया। हालांकि ये पहले हीरो हुआ करता था फ्रांस का, लेकिन बाद में जाकर इसको जलील किया गया। इसी तरह से आप देख लीजिए बेनितो मुसोलिनी के साथ क्या हुआ था। बेनितो मुसोलिनी इटली को बढ़ाना चाहता था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, लेकिन जब इटली आजाद हुआ तो इटली के लोगों ने उसको उल्टा टांग दिया था चौराहे के अंदर। वजह यह थी कि उसको सबक सिखाना था, उसके फासिस्ट रूल को सबक सिखाना था। सो अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि अगर आप डिक्टेटरशिप से नफरत करते हैं और आप अपने मुल्क को एक अच्छी जमहूरियत बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा डिक्टेटरों का। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान की एक पॉलिसी के अंदर 110% क्लियरिटी होनी चाहिए कि फौजी जनरलों को नहीं बख्शना, फौजी जनरलों का ट्रायल कंडक्ट करवाना है कम वाट में। इमरान खान करप्शन के नाम के ऊपर पीछे पड़ जाएगा, आसिफ जरदारी के पीछे, नवाज शरीफ के पीछे, मरियम नवाज के पीछे, बिलावल जरदारी के पीछे। ये तो बच्चे हैं, ये तो टटपुंजी हैं, इनकी क्या हैसियत है? आप लोगों के सामने फौज इनको फोन करती है ये सारे के सारे लेट जाते, इनकी क्या हैसियत है? ये तो सारे के सारे टटपुंजी हैं, इनकी क्या हैसियत है जो इमरान खान इनके पीछे जा रहा है? एक्चुअली में जो इमरान खान को जिसके पीछे जाना चाहिए वो है जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल मुशर्रफ, जनरल फैज़ चिश्ती, जनरल एजाज अमजद। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दन में इमरान खान को सरिया डालना पड़ेगा। मेजर जनरल फैसल नासिर, ये वो बंदा है जिनके गर्दनों के ऊपर इसको सरिया डालना पड़ेगा। और ये जो मिस्टर एक्स वाई जेड है, इनका ट्रायल कंडक्ट करवाना पड़ेगा। जिस दिन पाकिस्तान में जनरल बाजवा को घसीट कर कोर्ट के अंदर लाया जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान में मेजर जनरल फैसल नासिर, मिस्टर एक्स वाई जेड, इन सबको घसीट कर कोर्ट के अंदर लाया जाएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रायल चलेगा, कैमरा के अंदर ट्रायल चलेगा, फिर पता चलेगा इन तमाम तर फौजियों को, मैन इन यूनिफॉर्म को, कि पाकिस्तान इतना सस्ता मुल्क नहीं है कि आप उसके आइन को जब चाहे रोंद दे। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान ने करनी है। हमने जनरल बाजवा को जिंदा पकड़ना है, उसे घसीटते हुए कोर्ट के अंदर लेकर जाना है, उसका ट्रायल करना है, 6 महीनों तक उसका ट्रायल करना है, ताकि इसको पता चले कि इसने पाकिस्तान के साथ किया क्या है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर हम जनरल बाजवा का ट्रायल करने में नाकाम रहे, फिर चाहे हम कैसी भी पॉलिसी बना ले, फिर चाहे हम कैसी भी गवर्नमेंट बना ले, एट द एंड हम नाकाम होंगे, हम नाकाम होंगे। हमने सबसे पहली शुरुआत अगर करनी है तो वो जनरल बाजवा के ट्रायल से करनी है। जनरल बाजवा का ट्रायल इसीलिए भी जरूरी है कि ये पाकिस्तान के अंदर सिविल रूल कायम कर देगा, इसके बाद मिलिट्री रूल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप देखें तो सही, सोचे उस गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि आर्टिकल 6 के अंदर जनरल बाजवा और उन मिलिट्री जनरल्स का ट्रायल किया जाएगा जिन्होंने जनरल बाजवा की मदद की है, जो ISI के अंदर मौजूद रहे। जब वो ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, रोज न्यूज चलेगी, रोज पता चलेगा लोगों को कि यहाँ पर ये चीजें की जा रही है इन लोगों के खिलाफ, फिर आप सोचिए उन फौजियों की हाईकमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहले तो वो गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, यार ये फौजियों को जलील करा। एक्चुअली में जो करतूते जनरल बाजवा ने किए तो इनकी वजह से ही इनको जलील किया जा रहा है ना, वरना तो फिर ये क्या तमाशा होगा अगर इनको रिकंसिलिएशन दी जाए, इनको ऑफर दी जाए, इनको पीसफुल एग्जिट दिया जाए। अगर हमने जनरल बाजवा को पीसफुल एग्जिट दे दिया तो ये हम बुनियाद रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक और डिक्टेटर पैदा होगा। हमने जनरल मुशर्रफ को पीसफुल एग्जिट दिया, पाकिस्तान के अंदर एक और डिक्टेटर हो गया। हमने जनरल जिया को पीसफुल एग्जिट दिया, एक और डिक्टेटर पैदा हो गया। याया को पीसफुल एग्जिट दिया, जिया पैदा हो गया। अयूब को पीसफुल एग्जिट दिया, याया पैदा हो गया। मुशर्रफ को पीसफुल एग्जिट दिया, क्यानी पैदा हो गया। क्यानी को पीसफुल एग्जिट दिया, ये जनरल बाजवा पैदा हो गया। अगर हमने जनरल बाजवा को पीसफुल एग्जिट दिया तो कोई और जनरल पैदा हो जाएगा। हमने करना है जनरल बाजवा का ट्रायल, चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क दो टुकड़े हो जाए, फौज से लड़ना पड़े लड़ जाए, लेकिन जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये जो PDM की टोला बैठा हुआ है, ये तो सारे के सारे चमचे हैं, इनको तो दो झपड़े लगती हैं फौजियों की, ये अपनी माँ बाप को भूल जाते हैं, इनकी क्या हैसियत है जो कर सके। इमरान खान को आने के बाद अगर रूल ऑफ लॉ एक्चुअली में हमने पाकिस्तान के अंदर कायम करना है, अगर हम रूल ऑफ लॉ के लिए डिवोटेड है और PTI चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए, तो PTI को ये चीज अपनी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, कि जनरल बाजवा का ट्रायल किया जाएगा और आने के बाद ही
जनरल बाजवा का ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। अब लोग समझेंगे कि सबूत कहां से आएंगे, ये कौन बयान देगा, वो कौन बयान देगा। एक्चुअली में जब आप किसी डिक्टेटर को पकड़ते हो और उसका ट्रायल कंडक्ट करते हो तो आप सबूतों के ऊपर रिलाय नहीं करते हो। आप ना सबूतों के ऊपर रिलाय करते हो, ना न्यूज सोर्सेज के ऊपर रिलाय करते हो, ना आप कानून के ऊपर रिलाय करते हो। कानून को भी ऐसे ही मोड़ा जाता है कि जैसे जनरल बाजवा के खिलाफ इस वक्त कानून मुड़ा हुआ है, जैसे कि जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी निकली है तो कानून ये नहीं देख रहा कि जनरल बाजवा से पूछना है, कानून ये देख रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसने ली की है। सो इसीलिए कानून को भी जब जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रायल किया जाएगा तो ये नहीं देखेगा कि कानून इसके खिलाफ सबूत है या नहीं है। कानून को ये देखना होगा कि इस बंदे ने बार बार पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों का तख्ता उलटने की साजिश की है। सो इसको करना है हमने जलील। अगर हमने जलील करना है तो फिर कानून के अंदर सबूत है नहीं है, लेकिन जलील करना है। सो ये वो चीजें होती है जो कानून में देखा जाता है। हिमलर के खिलाफ तो सबूत भी नहीं मिले थे, एडोल्फ आइकमैन के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, सलोबदिन मोल्सोविच के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले थे, प्राइम मिनिस्टर टोजो के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। लेकिन ट्रायल एक्चुअली में कंडक्ट ही इसीलिए किया गया था कि इनको सबक सिखाना है, इनको बताना है, एक डिटरेंस कायम करना है कि आइंदा कभी भी कोई ऐसी चीज ना करे। यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब है ना अरशद शरीफ के कातलों के थ्रू इस केस के इन्वेस्टिगेशन करवा के यहाँ तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचे, आप कोशिश कीजिए, लेकिन एक्चुअली में एक नेशनल विल होनी चाहिए, एक नेशनल रिजोल्व होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के ये जो 6 से 7 ऑफिसर सामने आए इनको हमने सजाए मौत दिलवानी है, थ्रू ड्यू कोर्स ऑफ लॉ दिलवाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये फौज ये जो अभी दावा करे कि हम एपॉलिटिकल है, जिस दिन जनरल बाजवा के ऊपर ट्रायल शुरू हुआ फिर लग पता जाएगा कि ये फौज कितनी एपॉलिटिकल है। फिर देखिएगा आप इन जनरलों की भाग दौड़ के किस तरह से सियासी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते। अगर हमने एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है तो उसकी बुनियाद हम जनरल बाजवा को फांसी देकर ही रख सकते हैं। अगर हम जनरल बाजवा को फांसी नहीं देंगे, उसका ट्रायल नहीं करवाएंगे, तो एक्चुअली में हमने ये एक लाइसेंस दे दिया हुआ है पाकिस्तान आर्मी को कि आप आने वाले दिनों में एक और जनरल बाजवा पैदा कर दे। अगर जनरल बाजवा का ट्रायल नहीं होता तो आने वाले दिनों में एक और जनरल बाजवा पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच।